पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर 19 मई को चुनाव होगा, जिसमें जीत को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इन सबके बीच अब सूबे के सीएम अमरिंदर सिंह ने बड़ा दावा किया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। पंजाब में चुनावी समर को लेकर पहले ही सियासी पारा गर्म है, मगर इन सबके बीच मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जो बयान दिया है उसके बाद अब सभी की नजरें 23 मई पर टिक गई हैं, क्योंकि उस दिन या तो कैप्टन की कुर्सी जाएगी या फिर अमरिंदर सिंह सर उठाकर अपनी कुर्सी पर बैठेंगे। दरअसल चुनावी नतीजों को लेकर कैप्टन ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो वह इस्तीफा दे देंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राज्य से साफ हो गई तो मैं जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दूंगा। राज्य में कांग्रेस के प्रदर्शन के लिए सभी मंत्री और विधायक जिम्मेदार होंगे। पार्टी के हाईकमान ने पंजाब में कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत या हार के लिए मंत्री और विधायकों की जवाबदेही तय की है। मैं राज्य के लिए यह जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पंजाब में सभी लोकसभा सीटें जीतेगी। अब जीत को लेकर कैप्टन का ये दावा आत्मविश्वास है या फिर उनका गुमान, ये तो 23 मई को ही साफ हो पाएगा। वैसे आपको बता दें कि 2014 में जब पंजाब में चुनाव हुए थे उस वक्त कांग्रेस पार्टी महज 3 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि बीजेपी, अकाली दल सबसे आगे थे और नई नवेली आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों के साथ दूसरा स्थान हासिल कर कांग्रेस के माथे पर शिकन ला दी थी। लेकिन जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुए तो अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पार्टी मजबूती के साथ 117 सीटों में से 77 सीटें जीत कर आई और 38.5% वोटों के साथ सरकार बनाई। मगर क्या कैप्टन का जादू लोकसभा चुनाव में भी चलेगा, ये बड़ा सवाल है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।